वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं फार्मिंग सिमुलेटर 25 में। आज हम लोग अपने पहले $10,000 कमाने वाले यानी यूरोस इस गेम में, जो कि बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, बट मैं किसी भी हाल में उसको कंप्लीट करने वाला हूं। तो सबसे पहले अभी हमारे लिए जो काम इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि हम लोग अपने यहाँ पे जो काऊ है, हमारे पास 3 काऊ भी है, इनको मैनेज करना है, इनका ध्यान हमको रखना है। वैसे तो मुझे अपने खेत का भी ध्यान रखना है। देखो लास्ट एपिसोड में सिर्फ हम लोगों ने ट्यूटोरियल देखा था, उसमें हमको बताया था कि ये चीज है, ये करना है हमको, बट वैसा देखा जाए तो हमको अभी इसमें क्या चाहिए, इसमें लाइम चाहिए, इसमें रोलिंग चाहिए, यानी कि छोटे मोटे पत्थर हो रखे होंगे, इसमें हमको लाइम चाहिए, और उसके बाद से हमको सिर्फ ये काम करके छोड़ना नहीं है, खेत तैयार हो जाएगा उसके बाद से हमको लगाना है उसमें। और यहाँ पर हमारे इसमें भी लाइम चाहिए। अभी लाइम कैसे डाला है ये, आई थिंक क्या चीज हो रहा है यार, फील्ड इन फॉर्मलेट क्रॉप कैनोला हो रहा है। यहाँ पे हार्वेस्ट भी करना है अभी हमको, और यहाँ पर भी अभी हमको अभी सिर्फ हम लोग कैनोला ही लगा सकते हैं, जहां तक मेरे को याद है। हाँ, अगस्त में हम लोग कैनोला लगा सकते हैं, या फिर हम लोग पॉपुलर ट्री वगैरह होती है, और हम लोग ग्रास या फिर ऑयल सीड रेडिश भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इनको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ग्रास तो नहीं लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि कैनोला लगा लूं। अगर आज हम लोग देखो आधा महीना चला जा चुका है, अगर हम लोग सेप्टेम्बर में भी लगाएं तब भी हम लोग कैनोला वीट बारले बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो अभी तो मैं इस पर इतना ध्यान दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, देखो यहाँ पे पानी, इतू सा पानी बचा हुआ है, खाना बिल्कुल खत्म है। भले ही यहाँ पे जो ये है ग्रास फील्ड है, यहाँ से ये लोग चर रहे हैं, लेकिन ये उतना सही नहीं है इनके लिए मैं अच्छा खाना लेके आऊंगा। वैसे अभी मुझे पता है कि हम लोग आज हेबेल लेके आएंगे, हेबेल भी उतनी अच्छी नहीं होती, हेबेल के अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, बट अभी हम लोग हेबेल से काम चलाएंगे। बट उसके लिए हमको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है। देखो हम लोग पानी भरना है हमको उनके लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग पानी का टैंकर तो बाय करके लेके आ जाएंगे, बाय या लीज पे जो भी होगा देखा जाएगा, बट उससे पहले हमको यहाँ पे टैंक बिल्ड करना है पानी का। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, आई थिंक यही था बिल्ड मेनू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और हमको ढूंढना है एक पानी का कुआं। 8,75,000, तो ये क्या चीज है पता नहीं, क्या टेक गुड्स एंड ठीक है कुछ और चीज है, अभी हमारे लिए इतना मतलब नहीं। हम लोग यहाँ की जो टेरेन है उसको भी हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। अभी इतना मेरे को नहीं करना है, मुझे अभी मेनली जो काम करना है वो मेरे को दिखाओ तुम। पानी का टैंकर बनाना है मुझे, इतने महंगे साइलोज है ना, ये नहीं यार, पानी का टैंक कंटेनर, ये फर्टिलाइजर वाला है, ये वाटर स्टेशन कैन सप्लाई योर वाटर टैंक विद फ्रेश वाटर, 1500 का ये भी हम लोग लगा सकते हैं, या फिर हम लोग 3000 का ये भी लगा सकते हैं। द वाटर स्टेशन कैन सप्लाई योर वाटर टैंक विद फ्रेश वाटर, सेम चीज है। अब इसमें पता नहीं इसमें क्या चीज आएगा यार, इसके लिए पता नहीं और क्या चीज चाहिए होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको लगाऊं, बट मुझे ये देखना है कि मैं लगाऊं कहाँ पर इसको, आई थिंक यहाँ पर ही मैं लगा सकता हूँ, मुझे लग रहा है, आई थिंक ऐसे। चलो टैंक अपना बन चुका है, अब जो काम कर रहा है वो ये है कि हमको पहले तो एक ट्रैक्टर में बैठना है। ये वाला सही रहेगा ट्रैक्टर, या ये वाले में बैठूं, इस पर लेके जा रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं पहले मार्केट, ठीक है। और आज मैंने 2 काम करे हुए हैं, पहले तो मैंने फीडबैक बढ़ा लिया है 50% से 80% कर लिया, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हैं कब ये सही कर लिया था मैंने, अभी हुआ नहीं क्या सही, पता नहीं यार मैंने सही कर लिया था ये, मैंने इसको जो डेड एंड्स है उसको, डेड एंड्स ही था हाँ, उसको मैं 0 कर चुका था, 15% पर था ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, बट पता नहीं अभी भी क्यों ये ऐसा हो रहा है। मार्केट का रास्ता कौन सा है गाइज, ओके ये है, तो व्हील ना थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया यार, मेरे को 60-70% करना चाहिए था शायद, चलो कोई बात नहीं चलेगा अभी, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट बीच में एक बार जाके ना इसको फिक्स करूँगा मैं पक्का। तो हम लोग को आज $10,000 कमाने, उसके बहुत सारे तरीके, मेनली आपको पता ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाला हूँ, और ख़तरनाक वाला कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैंने इसमें देखा कि हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा भी दूँ एक बार, अगर हमारे पास होंगे भी इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसमें सबसे महंगा पता कौन सा है, ये फार्मलैंड वाला है, ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हमको स्टोन पिक करना है, बट उसके अलावा एक डिफ़िकल्ट वाला टास्क है जो मैं आज करने वाला हूँ। बेसिकली हमको क्या करना है कि हमको ना ट्रीज़ को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, पता नहीं किधर ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमको ये ऐसी कुछ मशीन मिलेगी, उसमें हमको ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है। उसके अलावा और भी हमारे पास कुछ महंगे वाले नहीं, उसके अलावा तो नहीं है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। मतलब यार ये ना बहुत चैलेंजिंग काम होगा मेरे लिए, नया होगा, बट मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग ये काम भी तो करने वाले हैं ना, हम लोग फ्यूचर में फॉरेस्ट्री वाला काम करेंगे, हम लोग एनिमल्स वाला काम करेंगे, तो अभी वो सीख रहा हूँ मैं, जैसे कि एनिमल्स के लिए ग्रास कैसे लानी है, उनके लिए फूड का कैसे इंतजाम करना है, पानी का क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें जब सीखेंगे नहीं तो फिर कर नहीं पाएंगे। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, भले ही मिस्टेक्स होंगे कोई बात नहीं, बट हम लोग आज करेंगे। फिलहाल मैं पहली बार मार्केट आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि मार्केट आई थिंक इधर है,
पता नहीं यार, मैं एक हाथ से घुमा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो गया है। मार्केट किधर है गाइस? आई थिंक यही मार्केट है। हाँ तो गाइस, ये है हमारी मार्केट और सर्विस सेल और रेंटल्स। तो अभी यहाँ पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए, घोड़ी भी ले सकते हैं हम लोग तो मुझे चाहिए एक टैंकर। बैरल्स है हमारे पास, इसमें होगा ओके। तो हमारे पास ये भी है इसमें, जिसमें सिर्फ पानी आएगा। और हमारे पास ये भी है, 2000 लीटर पानी आएगा इसमें एक बार में। और इसको अगर हम लोग लीज पर लेते हैं तो कितने का पड़ेगा हमको? ये पड़ेगा हमको 122 यूरोस का, है ना, 122 यूरोस का पड़ेगा। अगर हम लोग इससे बड़ा वाला लेते हैं तो ये हमको लीज पर पड़ेगा 357 का। और इसमें कितना पानी आएगा? इसमें आएगा आपका 6000 लीटर्स। ये वाला हम लोग ले सकते हैं गाइस। एक तो ये हमको लेना है, दूसरा हमको, मेरे को एक चीज में कंफ्यूजन है। देखो हम, मेरे को ये तो पता है कि हमको क्या लेना है। हमको लेना है ग्रास, ये बाय कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी काश हम लोग लीज पे ले पाते और खिला पिला के खाली वापस ले गया। तो ये मैंने ले लिया। अब मुझे इसको लोड करने के लिए एक गाड़ी चाहिए। फोर्कलिफ्ट है हमारे पास, फोर्कलिफ्ट भी हम लोग लेके जा सकते हैं। बट मुझे ना ऐसा चाहिए कि ट्रैक्टर के आगे आ जाए। अगर हम लोग ये ले लें, ये ट्रैक्टर में लग जाएगा। पैलेट्स मेरे को यार पता नहीं, पैलेट्स ये लगेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। लीज पर अगर मैं लेता हूँ कितने का पड़ेगा? 42 का। एक बार लेके मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर जो चीज़ का मेरे को पता है कि इससे हो सकता है काम, फिर मैं वही करने वाला हूँ। तो पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं गाइस। तो ये दो चीज़ें हमारे पास, तीन चीज़ें हैं। अब अगर ट्रैक्टर में लग गया तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये काम क्योंकि एक बार में ना हमारा दो काम हो जाएंगे। ये काम हो गया हमारा। फिलहाल ना मैं सब चीज़ लीज पर ले रहा हूँ। जब मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है उसको ही मैं बाई करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में तो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ बाई करेंगे। अभी ना थोड़े पैसे बचाने हैं। अबे तो लग ही नहीं रहा यार, लगेगा क्या? नहीं इसमें तो नहीं लगेगा यार ये। ऑलराइट, तो पहले पानी का करके आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घास तो तब भी थोड़ा बहुत चर लेंगे, मतलब सर्वाइव कर लेंगे। ऐसा ना हो जाए कि यार मर जाएँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इतना बड़ा नुकसान हमारे लिए हो, क्योंकि हम लोग उनको सेल कर सकते हैं। और मुझे ये भी चेक करना है कि हमारे पास जो भी हैं तीन चीज़ें हैं, क्या वो तीनों की तीन काव हैं या फिर उनमें कोई फॉक्स भी है। अगर ऐसा है तो फॉक्स बोलते हैं बैल को, क्या बोलते हैं बैल है? अच्छा अच्छा, फॉक्स तो माइनक्राफ्ट का याद आ रहा है मेरे को, छोटा सा वो ऑरेंज कलर का ना, पता नहीं। जो भी है देखो, ये मेरे को फिक्स करना है यार, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी करके आता हूँ, इसको अभी फिक्स करता हूँ। पहले एक बार ये वाला काम निपटा लें फिर जाके फिक्स करता हूँ। कहाँ पर बनाया था मैंने पानी वाला? अब असली परीक्षा की, क्या ये काम कर रहा है? क्या पानी है इसमें या फिर पानी का कुछ और करना होगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए। ओह आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। ऑलराइट, तो इसको पूरा भरता हूँ और उसमें भरता हूँ पानी, फिर देखता हूँ कि कितना भरना पड़ेगा। ऑलराइट, तो 6050 लीटर पानी इसमें मैंने भर दिया है। अब चलते हैं आगे और यहाँ पर मेरे को भरना है पानी। आएगा या कुछ और जुगाड़ करना होगा? ओके ओके ओके, आ चुका है। चलो गाइस, एटलीस्ट एक काम हो चुका है। अब दूसरा काम करना है कि वहाँ से एक और मशीन लेके वो लेके आनी है वहाँ से, हे बेल। ऑलमोस्ट सारा पानी भर गया इसमें। एक सेकंड, ये कैसी चीज है यार, सारा पानी कैसे भर सकता है इसमें? ओके, इतनी छोटी सी दिखने वाली चीज में इतना सारा पानी आ चुका है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले तो डिटैच करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ। अब यहाँ से हम लोग तो यहाँ पे ये हमको रिटर्न करनी है ना अभी, ठीक है। ये मैंने रिटर्न कर दी। और एक और चीज थी जो मैंने वहां पर ले ली थी जो मेरे को रिटर्न ही करनी थी, आई थिंक वो ये थी। अब हमारे पास ना एक वो भी था, ये वाला, इसको लेके चल रहे हैं मार्केट। और इसमें हेवेल, नहीं, इसमें हेवेल नहीं ले आ सकता मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा यार। कहाँ है मार्केट? ये है। इसमें हेवेल लाऊंगा तो हेवेल वहाँ रखनी भी तो है अंदर, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी हम लोग ऐसे करते हैं। और फोर्कलिफ्टर कहाँ पर है? ये है ना, ये बहुत धीरे चलता है। ये वाला ले लूँ क्या? सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ, ये थोड़ा फास्ट चलेगा, बड़ा है ना थोड़ा। देखो अभी चीज़ें महंगी लग रही हैं बट बाद में, ये मेरे को पता है कि ये काम की चीज़ें, ये मेरे को बाई ही करनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाली चीज़ है। अरे मस्त मस्त मस्त, एकदम मस्त है।
आ गया क्या? ओके चलो, कितना सही लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है उल्टा चला रहा हूँ, लेकिन जबकि है नहीं, सीधा ही चला रहा हूँ। इसके अंदर घुसा पड़ा है, ओ अंदर घुसा पड़ा है। आई होप कि हम लोग सही जगह से जा रहे हो, और एक बार पता चल जाएगा रास्ता तो फिर तो क्लियरली पता चल ही जाएगा। आते टाइम लेकिन मैं कहीं और से आया था ये मेरे को पता है, तो यहाँ से हम लोग इधर आ चुके हैं, और अब यहाँ से तो मुझे पता है कि हमको लेफ्ट टर्न करना है और हमारा फार्म आ जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग घास लेके भी आ चुके हैं, अपने काऊ का एटलीस्ट अभी फिलहाल काम हो जाएगा। अभी मैं और कोई एनिमल्स नहीं लेने वाला हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे को भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो बहुत बड़ा टास्क होता है ये सब करना यार। एक सेकंड, मुझे ये नहीं पता कि इसको छोड़ना कैसे है। ये तो खुद ही जा रहा है ना, हाँ फिलअप हो रहा है, देखो यहाँ राइट साइड में फूड में फिलअप हो रहा है। एनिमल्स की हेल्थ अभी 0% है, लेकिन अब बढ़ जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर था व्हीकल्स में, और कहाँ गया ये, इसको हम लोग कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। तो अभी काफ़ी नुकसान हो गया हमारे पास, 9,929 यूरोज हैं, बट क्या करें यार, अभी फिलहाल तो ऐसे ही होगा। ये काम हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक वर्कर हायर करके इसको हार्वेस्ट पे लगा सकता हूँ, बट इसके पीछे जो स्ट्रॉज हैं वो भी हमको कलेक्ट करने होंगे, और मैं नहीं चाहता कि बीच में कुछ भी काम गड़बड़ हो, तो मैं अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूँ। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे ये वाला फार्मलैंड वाला, इसमें देखते हैं कि क्या है। रैप सम बेल्स यूजिंग अ बेल रैपर, यार ये भी मुश्किल काम है वैसे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, आज हम लोग वही काम करने वाले, वो सबसे महंगा है। एक झटके में हम लोग 10, ये स्टोन पिक करने वाला भी ऐसे इजी काम है। देखो इसमें दो मशीनों का तो मुझे पता है कि क्या चीज़ है, ये क्या करेगा, इससे क्या होने वाला है, बट फिलहाल हम लोग वुड ट्रांसपोर्ट करने वाला काम करने वाले, तो बोरो आइटम्स कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा मार्केट में, जहाँ पे हमको मिल जाएगा हमारा सामान। ओ ये क्या चीज़ है, ये कुछ अलग ही है। तो एक ये क्या बोलते हैं उसको यार, एक्सकेवेटर है ना, वो बोलते हैं, वो चीज़ है, और इसमें हमको लोड करके लेके आना होगा। यार इसका पीछा ढकने वाला कुछ नहीं है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। और मुझे ना डाउट है कि हमको कुछ नहीं करना, हमको इसमें पता क्या कर रहा है, हमको सिर्फ लकड़ियाँ लेके आनी है एक जगह से, और दूसरी जगह पर उसको छोड़ना है, इसलिए मैंने टास्क लिया। बट ये टास्क इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमको लकड़ियाँ, शायद ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, भरनी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये देख लो इसके आगे मुँह, ये लकड़ी उठाने वाला ही है। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल एक काम करना है इम्पोर्टेंट वाला, तो पहले ना मुझे यहाँ से इसको अनटैग करना है प्लेस को, और हमको जाना है इधर पर जाके मैं इसको टैग करने का क्यों नहीं आ रहा गाइस, टैग सिर्फ इन जगहों पर ही होता है क्या, हाँ यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर टैग करने का क्यों नहीं आ रहा यार टैग प्लेस। तो हमको ये रोड लेनी पड़ेगी, चलो देखते हैं, आई थिंक अपने को ये वाली रोड लेनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, एक बार वापस चेक करते हैं। मैं ये वाली रोड से जाऊंगा, और यहाँ से मैं ये तो नहीं जा सकता, ये बीच में टूटा हुआ है शायद, यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ चुका है, दिख गया। ओ लीज पर लिया हुआ सामान है, लीज पर लिया हुआ सामान, ये सब नहीं करना। तो आपको दिखा दूँ कि हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, हम लोग ये लेके जा रहे हैं, और इसमें हमको वुड लेके आना है, ठीक है, फॉरेस्ट्री वाला काम सीखेंगे तो इम्पोर्टेंट है। बस देखो कितनी सही लग रही, बच्चे नहीं है इसमें, आराम से, क्या चल रहा है, इतना तेज टर्न कर रहे हो तुम लोग, डेंजरस है यार ये। एक सेकंड, मैं सही जा रहा हूँ ना, यहाँ से बहुत लंबा जाना है हमको, तो कॉन्ट्रैक्ट वीडिंग फील्ड 60, एक सेकंड, मैंने ना एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, दो कैसे हो गए, वीडिंग वाला कहाँ से आ गया, अबे तेरे दो काम करने हैं क्या, इस जगह पर हमको वीडिंग वाला काम करना है 60 यार। अभी मैं अब ये करने लग गया हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जाके काम कर लूँ, मेरे को
मशीनें लीज पर लेनी पड़ेंगी और उसके बाद मेरे को वहाँ पर जाना पड़ेगा, तब जाके मैं AI वर्कर शायद हायर कर सकता हूँ फील्ड में। और वो भी फील्ड अगर प्रॉपर हो, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो बहुत दिक्कत करते हैं ये लोग, AI वर्कर काम सही से कर नहीं पाते। खतरनाक मशीन लेके जा रहा हूँ, बस जो होगा आज देखा जाएगा। आज किसी भी हाल में हमको $10,000 कमाने हैं, अभी इसमें $10,000 जोड़ के मतलब वापस से 1,00,000 यूरो हमको करने हैं, ठीक है। बट 1,00,000 यूरो से ज़्यादा मुश्किल काम पता क्या है, ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है। बट देखो कि कैसा जाता है। फिलहाल मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बार बार ना मैप चेक करना पड़ेगा कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर अभी सेटिंग अपनी सही कर ली है और अब जाके ये देखो कितना रिस्पॉन्सिव है ना, अभी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अभी आप दिक्कत भी नहीं होने वाली, क्योंकि आज जो काम करने जा रहे हैं वो थोड़ा डेंजरस भी है और वार्निंग आ रखी थी वहाँ पे कि हमको सामान वहाँ से जो भी वुड वगैरह लेके आने हमको ध्यान से लाना है। अभी एग्जैक्ट जगह का मैंने लोकेशन मार्क नहीं किया क्योंकि आ नहीं पा रहा वो, बट हम लोग उसके करीब पहुँचेंगे और उसके बाद से पता चली जाएगा कि कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो बेसिकली हमको एक फॉरेस्ट्री वाली जगह पर जाना है जहाँ पर वुड है, उसके बाद से हमको उसको 100 मील वाली जगह पे एक सेलिंग पॉइंट है वहाँ पे सेल करना है, दे के आना है, मतलब जो भी काम है सेल करना है जो करना है, और उसके बाद अपना काम हो जाएगा ख़त्म। ओह यार मैं ना अपनी लेन पे नहीं चला रहा हूँ, पता नहीं मैं बहुत फ्री होके खेल रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे को और इसका भी ध्यान रखें। ये सेम डिज़ाइन कहाँ से बना लिया इन लोगों ने, ये वाला, एक सेकेंड मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ से हमको सीधा ही चलना है, सीधा सीधा जाना है। ओह यहाँ पे दिख गया मेरे को, तो अब जाके पता चलने वाला है कि हमको करना क्या है, मतलब पेड़ काट के कोई पेड़ काटने भी हैं, पता चला कि पेड़ भी काटने हैं, मैं तो पागल हो जाऊँगा यार, इतना नहीं मेरे को दिख गया कि हमको क्या करना है गाइस, ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है, बट पता था नया काम होगा लेकिन मैंने कर लिया। हमको ये लेके जाने हैं, ऑलराइट ठीक है, इतना मुश्किल काम होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको अनलॉक करते हैं और उसके बाद से काम करना। मैंने थोड़े कंट्रोल्स देखे हुए और आज होने वाली है परीक्षा की क्या होने वाला है। हाँ तो देखो ये माउस से ही मेनली कंट्रोल होने वाला है, यहाँ से मूव होगा। ओ यहाँ को नहीं हो रहा है, और यहाँ से ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, मतलब ईजी है ऐसा नहीं है, बट लकड़ी उठा के रखना वो मुश्किल होने वाला है काम। ये उस साइड से क्यों नहीं मुड़ा था यार, पता नहीं, और इससे ये ओपन होगा ऐसे करके। तो कंट्रोल मैंने थोड़ा देख लिए और माउस से है तो थोड़ा इजी रह रहा है, वैसे अगर पता है मेरे पास जॉयस्टिक होती ना, वो जो हाथ से करने वाला होता है वो बहुत इजी रहता। हमें एक बार में 2 उठा पाएंगे क्या, पता नहीं, ट्राई करता हूँ गाइस। मैं गिरने वाला है, ये मुझे लग रहा है कि जितना इजी समझा था ये उतना इजी काम नहीं होने वाला। ओह मेरे को उठाना है ना, ओके अलट ओ शिट मुसीबत मोल ले ली मैंने, लेकिन करूंगा। क्या कर रहा हूँ ये, आई थिंक मैं इसको रख सकता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं इसको रख सकता हूँ। हाँ मैं ना थोड़ा कंट्रोल, अब ये तो गिर गया नीचे, ये तो गिर गया, मेरे को पहले वो वाला रखना पड़ेगा। आया क्या, नहीं आया ना, यार एक रख लूंगा ना मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं रख पा रहा हूं। अबे यार क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। उठाओ इसको, ठीक है, और इसको इधर को लेके आओ, इसको टर्न करो, इसको नीचे लेके जाओ। यस हो गया और थोड़ा सा
पहला हो चुका है, बाकी भी हो ही जाएगा। अब इसमें पता नहीं इतना वुड मुझे तो नहीं लगता कि एक बार में आ पाएगा, तो मुझे लग रहा है कि मेरे 2-3 राउंड तो लगने ही वाले हैं। मैंने देखो एक प्लान है मेरे पास, वो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, देखते कि कैसा जाता है। फिलहाल अभी मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, ये इजी होना चाहिए। अब सेंटर से पकड़ो, उसके बाद अरे लो ये तो नीचे ही गिर गया यार। ऑल राइट, सेंटर से ग्रैब करो अच्छे से, ऊपर करो इसको और ऊपर करो, हाँ, और उसके बाद इसको इधर लेके आओ, रोटेट करो इसको। ऑल राइट अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा और, यस हो जाएगा। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा से ग्रैब करके थोड़ा अंदर को रख रहा हूँ। यार ये मुसीबत वाला काम है, लेकिन इतना हो गया, एक बार देख के आ रहा हूँ। हाँ तो हम लोगों ने अभी 2 रखे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे 3 आ सकते हैं, तो एक यहाँ पर रखूँगा तो शायद ये सही हो जाएगा। बाकी मैं इसको बांध तो सकते हैं हम लोग, चलो ये पता चला मेरे को कि हम लोग बांध सकते हैं। अब ये वाला ना मेरे को सही से रखना है, क्योंकि बेस मेरे को अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो इसको मैं टर्न करता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ, इसको मैं अपनी तरफ को लेके आता हूँ, और इसकी मदद से इसको मैं भी इधर रखता हूँ। नहीं टर्न नहीं करना। ऑल राइट, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये वाला थोड़ा सा इधर को करना पड़ेगा। पता नहीं यार, ये ऐसा लग रहा है कि बैठा नहीं है सही से, पता नहीं। खैर छोड़ो, अभी इसको हटाते हैं, थोड़ा सा मैं वुड रख लेता हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि इसमें 3 मतलब 9 से ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो 2 राउंड लगने हैं अपने पक्के। कोई बात नहीं, फिलहाल एक एक करके रखता हूँ, मैं एक एक करके ही रख रहा हूँ, या फिर 2 ट्राई करता हूँ, 2 अगर आ पाते हैं तो। 2 आना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार, एक एक करके ट्राई करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो यहाँ पर। बैलेंस बिगड़ जा रहा है अगर सेंटर से ना पकड़ो तो, जो कि अभी हुआ है शायद। ऑलराइट, तो इतने रख लिए, थोड़े से और बचे हैं, कंप्लीट कर लेता हूं फटाफट से। तो गाइस अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना अपने मैंने वुड रख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रखे हैं। एक और आ सकता है, पता नहीं उसके बाद से आएंगे या नहीं आएंगे। हम लोग स्ट्रैप तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे कितने बचे मैं एक बार ये देख रहा हूँ। 7 आ रखे हैं, अगर मैं 8 एक बार मैं लेके जाता हूँ दूसरे राउंड के लिए कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे बहुत बचेंगे यार, मुझे ज्यादा लेके जाने पड़ेंगे, वरना 3 राउंड भी लग सकते हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फटाफट से और बाकी बचे हुए रखता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत है यहाँ पे, ये वाला वुड ना गिरने वाला हो रहा है, और मुझे लग रहा है गिरा। मेरे को इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको मेरे को थोड़ा, ये देखो ये वाला गिरने वाला हो रहा है, मतलब थोड़े में बचा हुआ है, मेरे को इसको सही से रखना है। ओह आ तो चुका यार। ऑल राइट, मैं इसको उधर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे एज पे। अब 3, 6, 9, ठीक है 9 रखे हूँ इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब मेरे को 20 वुड लेके जाने थे, तो 10 इसमें रख लूँगा, तो 10 अगले वाले में रख लूँगा। और प्रॉमिस करता हूँ अगले वाले में मैं ज़्यादा बेटर तरीके से रखूँगा, बस ये एक वुड आ जाए किसी भी हाल में। ये गिरने वाला है, ये गया। यार जिस चीज़ का मेरे को डर था ना वही हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ इतनी जगह बच रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही वुड, यहाँ इतना जगह बच रहा है यार, देख रहे हो यहाँ पे इतनी जगह बच रही है। चलो गाइस मैंने अभी इतना तो कर लिया, एक बार ना मैं इसको बांध लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी इसको बैक लेके जाना है।
क्योंकि अभी अगर मैं इतना लेके जा पा रहा हूँ तो अगली बार मैं इसमें दो और कैसे फिट कर सकता हूँ ना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसको टर्न कर लूँ क्या? मेरे को लगता है कि टर्न करके सही से लेके आना चाहिए मुझे, क्योंकि ये दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। ये सबसे मुश्किल टास्क है यार। उसके बाद लेके जाना तो मतलब ठीक है, मैं लेके चले जाऊँगा जैसे भी करके, मुझे दिख कुछ नहीं रहा। दस वुड एक बार में और इतनी छोटी सी चीज़ में थोड़ा मुसीबत वाला काम था। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, लास्ट वुड मेरे को रखना है जो कि बहुत मुसीबत वाला काम बन रखा है। आई होप कि मेरा कैमरा चल रहा हो, क्योंकि मैं बीच में बहुत सारी बातें बोल रहा था और दिखा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये लास्ट थोड़ा सेंटर में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसको मैं ले तो आया, लेकिन मैं इसको रखूं कैसे? ये पोल में तो नहीं टकराएगा ना? नहीं 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 नहीं, इधर इधर रखने का प्लान है मेरा। तो एक बार पहले मेरे को ये खोलनी पड़ेगी। ओ ये देखो आप, मैंने क्या करा, मैंने एकदम से लाके उसको बांध दिया। अब ये जैसे तैसे अटक रखा है, पता नहीं मैं इसको लेके जा पाऊंगा नहीं लेके जा पाऊंगा। फिलहाल इसको हम लोग ये करते हैं। तो अभी एग्जैक्टली उतने ही वुड बचे हुए हैं जितने मैं लेके गया था इससे पहले, ठीक है। अब हमको कहाँ पर जाना है एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि रास्ता ये अच्छा नहीं है। मैं चाहूँ तो AI भी हायर कर सकता हूँ, बट AI ले जाने का काम कर सकता है। इधर लेके जाना है हमको गाइस, ओ इधर लेके जाना है। तो आई थिंक हम लोग आएंगे इस वाली रोड से, अगर हम लोग आएंगे यहाँ से, यहाँ से ओके। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि ना यहाँ का मार्क कर दूँ, ताकि मेरे को ये पता रहे कि यहाँ इधर आना है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे, आराम से फर्स्ट पर्सन मोड में ही चलाऊंगा और बहुत धीरे धीरे चलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वाला टास्क है और उसमें आया भी था। मैं चाहता तो बहुत आसान इसको बना सकता था अगर मैं 3 राउंड लगाता। वैसे आसान नहीं, मुश्किल हो जाता है यार, वो 3 बार मेरे को भरने पड़ते। खैर भरने का तो उतना ही बात है, प्रॉब्लम ये होती ना गाइस कि 3 राउंड लगाने पड़ते मेरे को, तो प्रॉफिट कम हो जाता, क्योंकि 3 चक्कर लगने के फ्यूल ख़त्म होता, उतना दूर भी जाना है हमको। शिट यार, ये रास्ते बहुत ख़राब हैं और सही से ना सट नहीं रखे हैं वुड। वो आई थिंक स्ट्रैप हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगा था कि ऐसे ही लेके जाना हो, मतलब वो और मुश्किल हो जाता है। रोड में बम्प्स कहाँ से हैं? थोड़ा स्पीड, अरे 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से? नहीं 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 नहीं, थोड़ा आराम से। हाँ तो गाइस हम लोग लेके जा रहे हैं इतना सारा वुड और मज़ा, मतलब मेरे को मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये टास्क इतना आसान नहीं था, क्योंकि वुड रखना, क्रेन चलाना मेरे लिए बहुत अलग काम था। माउस से था, लेकिन यार सही से लगाना, और देखो सही से फिर भी मैं लगा नहीं पाया, लेकिन इतने वुड एडजस्ट कर लिए मैंने, बहुत बहुत बड़ी बात है। 5000 का काम तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब बस सही से पहुंचा दें इसको, क्योंकि अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। एक सेकंड, हर मोड़ पर मेरे को देखना है कि मैं सही जा रहा हूँ। अभी तक तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही है, और हिल भी नहीं रहे, तो शायद प्रॉब्लम ना हो। बंधा हुआ है तो थोड़ा सिक्योर तो है। अब मुझे यहाँ से एक और टास्क मुश्किल जो मेरे लिए अभी है ना, वो ये है गाइस कि वहाँ पे जाके मुझे ये उतारना भी है। अब अगर कोई पर्टिकुलर स्पॉट दिया रहेगा तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ अगर डंप करना है तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक और राउंड लगाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए मैंने प्लान सोचा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना वहाँ की डेस्टिनेशन सेट करके किसी वर्कर को हायर करके ये वहाँ मेरा इसको पहुँचा देगा। मैं तब तक जो दूसरा वाला काम है वो कर लूँगा, है ना। ये प्लान है मेरा। अभी हमको यहाँ से कुछ गिरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये रास्ता है। आई होप कि मैं सही जा रहा हूँ। यहाँ पर ड्रॉप करने है ना, ठीक है।
कैसे ड्रॉप करूँगा? ऑलराइट, ठीक है। ये अलग ही टास्क था। फिलहाल इसको ओपन कर लिया हम लोगों ने। बेहतरीन, बड़ा नहीं क्या? बड़ा नहीं। ऑलराइट, तो दो मैंने छोड़ दिए, बाकी सारे भी फटाफट से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये तो इजी है। यहाँ पे ऐसा कुछ कहीं रखना नहीं है, रखने वाला टास्क थोड़ा मुश्किल है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सारा कुछ डाल दिया, और यहाँ पे ना एक जगह पे हमको कहीं पे जाके उनको बताना है कि हम लोगों ने काम कर लिया, तो जाके ये हो जाएगा। अभी डन तो नहीं हो गया, क्योंकि अभी हमको एक और राउंड करना है। तो यहाँ कहीं पे आई मार्क किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। आई थिंक कैसे करना है? ओके, 47% हो चुका है, तो शायद वो जितने भी वुड हैं, अगर सही जगह से मैंने रखे थे, तो सारे के सारे बिक चुके होंगे। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार, अगर कुछ मिसिंग होगा तो उसको उधर ड्रैग करके उसको हम लोग बेच देंगे। एक बार देख लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये सब बिक चुके हैं। अब जाके मेरे को इधर पर चलना है, हायर AI करना है, और मुझे ना उसको गो टू वाला जॉब दे रखा है मैंने, मुझे उसको बताना है कि उसको जाना किधर है। तो यहाँ पे हमको स्टार्ट जॉब करनी है, उसके बाद से एक सेकंड। ओके, लोकेशन पिक करनी है, और यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ उससे कि तू यहाँ पे जाके ट्रक को रोक दे। अब अगर मैं निकलता हूँ, यार इसमें है नहीं, एक सेकंड, क्यों नहीं कर रहा काम? अनरीचेबल, एक सेकंड। गाइस, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे को ना पहले इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। अगर आ रहा है तो अनरीच, या फिर पता नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है ये काम वो करता ही ना हो। मुश्किल काम होना है, क्योंकि इधर से उधर ड्राइव करके लेके जाना है। तो एक काम मैं करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सही जगह पर लेके जा रहा हूँ, उसके बाद ट्राई करते हैं हम लोग। मेन रोड में एटलीस्ट लेके जा रहा हूँ मैं, फिर जाके ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो पाता है या नहीं हो पाता है, वरना इधर रास्ते से हम खुद ही निकल लेंगे। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, दोबारा मेरे को उधर जाना पड़ेगा। तो ये हो गया, इधर हो गया स्टार्ट जॉब, हो गया ना शायद, बेहतरीन। तो अब ये हमारा काम कर लेगा। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पर चलते हैं, हम लोग चलते हैं मार्केट में, ये है मार्केट, विजिट करता हूँ। और उसका जो दूसरा वाला टास्क था वो एक बार मैं देख लेता हूँ, ये वाला। इसके लिए हमको कुछ लेना था क्या? कैंसिल नहीं, इसके लिए हमको फील्ड 69 में रिमूव द स्मॉल वीड्स इन द फील्ड वीडर, तो हमको वीडर चाहिए होगा ना फिर। एक सेकेंड, इसके लिए क्या वीडर है? इसके लिए लीज पर लेने का क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? वीडर कहाँ है? ये है 69, लेकिन वीडर कहाँ है? गाइस, अपने पास है क्या वीडर? अपने पास भी वीडर तो नहीं है, मुझे इतना पता है। नहीं, वीडर तो नहीं है गाइस, कैसे होगा ये काम? मुझे लग रहा है कि पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा, शायद तब जाके ये हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा अपने यहाँ का हालचाल देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। मैं हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पर कर लेता हूँ, है ना, इसको लेके चल रहे हैं हम लोग। अपना काम भी तो करते रहना है, ऐसा नहीं एक खेत हमारा ये है बाकी तीन खेत उधर है, तो एटलीस्ट हार्वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा। अभी उसको टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो 47% हो चुका है, और 47 उसके बाद हो जाएगा, बाकी का पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा, शायद हो जाएगा। अबे ये क्या लगा? ओ, मैं वही सोचूं कि क्या लग गया, ऐसे फंस गया क्या ये? अरे फंस गया यार ये, यहाँ पे ये तो आप स्टक सा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कहीं पे फंसा हुआ है। एक काम करता हूँ, AI वर्कर को देता हूँ, देखता हूँ कि वो कैसे निकालता है। अंदर ही फंस गया है, ये यही हुआ था पहले भी, दिख नहीं रहा था मुझे। यहाँ पे हो सकता है गाइस, कहाँ चला गया वो? ये ओके, अरे ये तो पूरा निकल गया, वो कहाँ चला गया? गड़बड़ी हो गया, वो बंदा कहाँ चला रहा है? पहुँच चुका है क्या? ओ ये तो पहुँच चुका है गाइस, ये यहाँ पे है। अच्छा ये यहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, मार्केट में पहुँचा दिया यार। इसको मैं अपने फार्म में छोड़ के आता हूँ, तब तक वो बंदा वहाँ पे, मुझे इतना पता है कि वो लोड तो नहीं करेगा। अगर कर लेगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो, क्योंकि मेरा बहुत काम कम हो जाएगा यार अगर ऐसा करता है वो। फिलहाल इसको लेके चल रहे हैं हम लोग,
चले गए ये वाला व्हीकल तो हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचा दिया, अभी इसको बाद में देखेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, रीसेट करना ही पड़ता, वो फंस चुका था वहाँ पे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचा दिया, इसको सही से लगा लेते हैं एक बार, और एक बार मेरे को अपने एनिमल्स की हेल्थ भी देखनी है, उसके बाद चमत्कार देखना है कि क्या उस बंदे ने वहाँ पर सारी चीज़ें लगाई या फिर नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई तो फिर हमको करनी पड़ेगी, वरना अगर लगा ली है तो भी बहुत अच्छी बात है। इसको एक बार यहीं पर रखते हैं, एनिमल्स का हेल्थ देख के आता हूँ मैं कि क्या हालचाल है। एनिमल्स का हेल्थ है 15% बढ़ रखा है, ऑलराइट बस ख़त्म। ओ देखो स्टॉप साइन भी तोड़ दिया बंदे ने मोड़ के बैक करके लेके गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो गाइस वापस से मेरे को उतना ही वुड भरना है, तो फटाफट से उसको भर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग अपना जॉब फिनिश करेंगे, फिर जाके हमको एक और काम करना है, जल्दी से निपटाते पहले। तो गाइस यहाँ पे लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि एक बार स्ट्रैप लगा लूँ मैं, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। अगर आप लोग देखो बाहर से, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कुछ ऐसा हाल हो रखा है, देख रहो, मतलब जगह है ही नहीं उतनी ज़्यादा है। एक बार मैं 3 राउंड वाला काम है, बट मैं इसको 2 राउंड में निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको मेरे को रखना होगा यहाँ पर, ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पास जॉयस्टिक होता ना तो मैं बहुत तेज़ी से इसको करता, बट क्योंकि मेरे पास जॉयस्टिक नहीं है, बेहतरीन, अपना काम हो चुका है यहाँ से कंप्लीट। अब सही सलामत इसको पहुँचाना है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो कितने मैंने वुड रखे हैं इस बार, थोड़े ज़्यादा हैं शायद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, उस बार शायद 10 थे, तो बहुत मुश्किल वाला काम है। मैं खुद ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा डाउट है कि यार वो लोग ना उतना सही से नहीं चलाते, अगर गिर गया तो उनका क्या है, वो काम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे लिए है ना, तो मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे पता है कि कहाँ जाना है। धीरे धीरे चलते हैं वहाँ पर और अपना काम कंप्लीट करके आते हैं, देखते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैंने AI भी हायर करा है, तो उसके थोड़े कटेंगे और बाकी 1000 या 1100 यूरोज अपने इसके कटेंगे, तो टोटल हमको 9000 के अराउंड मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला काम उसी बंदे का हम लोग करेंगे। तो देखो मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था उससे, बट क्योंकि उसके पास 2 काम थे तो 2 ऑटोमेटिकली आ गए, तो नेक्स्ट टाइम से हमको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर हम लोग किसी बंदे का एक काम लेते हैं तो उसके पास अगर 2 काम है 3 काम है तो वो भी हमको करने पड़ेंगे। हम लोग चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, बट फिलहाल मेरे को 10,000 कंप्लीट करने के लिए करना तो पड़ेगा वो भी। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, आई होप कि मैं सही जा रहा हूँ, पता नहीं शायद यहीं से जा रहा हूँ, मैं भूल भी गया रास्ते, ये किस, हाँ ये मेरा ही है मेरे को लग रहा है, यहीं से मैं गया था शायद, ठीक है चलते हैं, मैं आपको सीधे वहीं पर मिलता हूँ, क्योंकि अभी ये हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हो ये, अब मुझे भरोसा है कि ये घिलता नहीं है, अगर सही से कर लो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हो ये, बस थोड़ा मेरे को, ये देख रहे हो ये होता है जब भी मैं चलाता हूँ, और व्हील मेरा थोड़ा ज़्यादा लूज हो लग रहा है मेरे को, मैंने 80% से फोर्स फीडबैक को मैंने 60% कर लिया है, तो अभी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको वो सीधी वाली रोड पर जाना है, वो हाईवे है, और वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, फिर एक टर्न लेंगे और उसके बाद से हम लोग पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर एकदम सही सलामत, एक बार देख लो जरा कि एकदम सही सलामत है भी या नहीं है क्योंकि एक काम करता हूँ स्ट्रैप्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा गिरा नहीं क्या, चलो अब मेरे को यहाँ से इन सबको निकालना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। AI को दूंगा, नहीं यहीं से रिटर्न कर दूंगा और मैं चले जाऊँगा सीधा घर। मैंने एक बार जाके आता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद हो जाना चाहिए, मैंने उल्टा सीधा फेंक दिया, देख रहे हो ये सब, बट क्योंकि वो जगह है, एक जगह पर हमको फेंकना है, तो इतना एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर चलते हैं, हमारा पहला टास्क था है और बहुत खतरनाक वाला कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, हेल्प मी टू हेल्प यू, श्योर आई कैन टेक, ओके, जो भी था हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत मुश्किल काम करा हम लोगों ने, अब ये अगर कर लिया तो इसके अलावा और इससे ज़्यादा मुश्किल क्या ही होने वाला, हम लोग सब कर लेंगे। फिलहाल मैं चल रहा हूँ यहाँ से सीधा व्हीकल्स में, देख सकता हूँ यहाँ से व्हीकल्स, तो हमको रिटर्न करना है ना,
कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा हूँ एक बार। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा ना मेरे को ये वाला, तो स्पेस। हाँ मेरे को पैदल छोड़ दिया अभी। चलो तो अपना ये वाला काम हो चुका है। अब मेरे को आई थिंक ये था ना, हाँ ये एक बार लेके जाके इसको सही कर लेता हूँ मैं। आज रात भी होने वाली, इसका मतलब ये है कि कल से सेप्टेम्बर शुरू हो जाएगा। तो कल अब हमको अपने फार्मिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आज तो दिया नहीं, अब कल फार्मिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर में हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही हम लोग फिर कैनोला वगैरह लगा सकते हैं। और कुछ लगा सकते हैं वो अलग बात है, बट क्या करूँ, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्या। इसको पहले ऐसे ही फेंकता हूँ, इधर लेके जाता हूँ। अब शायद हो जाए, कोई दिक्कत ना हो अब। चलिए ये काम कर लिया। कहाँ से रास्ता था, आई थिंक आगे यहाँ से था ना। अब मैं ना एक एआई को हायर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसको हार्वेस्टिंग का काम दे दूँ क्या। स्ट्रॉ वगैरह मैं खुद से उठा लूँगा ना, यही सोच रहा हूँ कि मैं हार्वेस्टिंग वाला काम उस बंदे को दे देता हूँ, वो एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर लेगा, और तब तक मैं वो वाला जो दूसरा काम उस बंदे का बचा हुआ है वो कंप्लीट करके आता हूँ। हमारे पास 1,02,000 हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10,000 रुपये यूरोज तो कमा ही लिए। ओ नहीं नहीं नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम और है। अगर मैं यहाँ से दे दिया मैंने उस बंदे को काम, तो पहले तो बहुत बड़ा खेत है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसके बाद हमको स्ट्रॉ वगैरह उठाने हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं एक बार ना मार्केट जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए दूसरा जो काम है ना, इसके लिए शायद कुछ कुछ चीज़ें आ रखी होंगी। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे है मार्केट में, क्या कुछ चीज़ें हैं, अगर होंगी मैं तभी करने वाला हूँ, वरना मैं नहीं करने वाला। कहाँ है, मैं कैसे करूँगा ये। अच्छा ये बंदा बोल रहा है कि तू खुद, ऑप्शन नहीं आया हमारे पास अभी ना, कहाँ गया कॉन्ट्रैक्ट में। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आया। रिमूव द स्मॉल वीड्स इन द फील्ड यूजिंग अ वीडर, तो अब वीडर मेरे को लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। यस अब वीडर तो अपने पास आ चुका है, लेकिन अपने पास ये नहीं है ना, ये लेके मुझे अब जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे मार्केट में, क्योंकि वहाँ जाके मुझे अब उसको लेके आना है और रात में काम करना है, क्योंकि कल हमको पूरा अपने फार्म में काम करना है। कल यानी कि अगले एपिसोड में हम लोग कोई भी अच्छी फसल लगाएंगे। बाकी ना एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कैलेंडर है हमारे पास, ये सीजनल फार्मिंग है, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो मैं सीजनल को बंद करके हम लोग कभी भी कुछ भी उगा सकते हैं, तो आप लोग मेरे को प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि कैसा करना चाहिए। मतलब हम लोग सीजनल फार्मिंग करें, या फिर हम लोग जब जो मन कर रहा है वो कर लें, मतलब उसमें हमारे पास ऐसा कोई मतलब कुछ बंद हो जाएगा, ऑप्शन है बंद करने का, उसके बाद से कभी भी हम लोग कुछ भी उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से उगेगा। और अट गए, तो हम लोग मार्केट तो आ चुके हैं, अब जाके मेरे को यहाँ से उसको अटैच करना है, बस अटैच हो जाए। कहाँ से अटैच हो गए, ऑल राइट, तो ये अटैच हो चुका है। अब हमको देखना है कि हमको जाना कहाँ पे, हमको जाना है फील्ड 69 में। तो फील्ड 69 है उस बंदे का, किधर पे है, यहाँ पर टैग नहीं कर सकता, बट ये यहाँ जाना है हमको। यार यहाँ पे किस चीज़ को टैग करूँ मैं, प्रॉब्लम बड़ी है। हम लोग इसको टैग कर सकते हैं, टैग प्लेस को, ठीक है। आई होप कि यार मतलब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बस छोटा खेत हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। हम लोग पहुँच चुके हैं वहीं पर, तो यहाँ से लेफ्ट वाला खेत है उसका। देखना पड़ेगा कि यार इसको मैं किस तरीके से सेट करूं कि अपना एआई काम कर ले, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला यहाँ पर काम, एआई को दे देता हूँ, वर्कर को, वो हैंडल कर लेगा। क्योंकि रात का टाइम हो चुका, मैं बहुत थक चुका, मैंने बहुत काम कर लिए, थोड़ी देर में वो निपटा देगा, वो जल्दी निपटा देगा मुझे ऐसा लगता है। बट ये खेत ना बहुत बड़ा है यार, इस खेत के 2,500 सिर्फ। मुझे लगता है कि जो मुश्किल काम है, जैसे कि जो मैंने आज किया, उसके 10,000 हमको मिले। तो मुझे लग रहा है कि ये है कि जितना मुश्किल काम आप करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। एक बार पहले इनको, एक सेकंड, पहले इनको अनफोल्ड तो कर लूँ मैं, देख रहा हूँ कि कितना एरिया कवर कर रहा है। ये तो खेत पूरा ढलान में गाइस। एक बार मैं बस देख लूँ कि काम हो भी रहा है, देख लूँ बस कि वीडिंग चल रही है। हाँ चल रहा है। ये खेत देखो बहुत अजीब है, बहुत अजीब खेत है। एक राउंड में कर लेता हूँ उसके, या उसको दे दूँ। क्या हुआ, नो फील्ड फाउंड। अबे है तो फील्ड यार, पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को खुद ही करना पड़ेगा काम, तो मैं ही करता हूँ अभी, और क्या कर सकते यार। मैं थोड़ा उल्टा सीधा कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, इसमें ना फर्स्ट पर्सन में हो नहीं पाता, आपको देख के करना होता। खैर मुझे पता है कि 100% कर रहा है मुझे कंप्लीट, तो कर लूँगा।
धीरे धीरे करके कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑन फील्ड 69 इज 10% कंप्लीट। मुझे पता है ये बहुत बड़ा फील्ड है यार, मैं सरदर्द। अच्छा अगर मैंने वो 5,000-6,000 वाला बड़ा फील्ड ले लिया होता जिसमें मेरे को स्टोन रिमूव करने थे तो मैं तो पागल ही हो जाता। अच्छा वो मैंने वो वाला काम लिया यार, वो सही था। तीन परसेंट और मेरे को करना है, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। मैंने एक गलती करी जो मेरे को पता चला, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, वो ये कि मेरे को सबसे वाइडर वाला वीडर लेके आना चाहिए था ताकि ज़्यादा राउंड ना लगाने पड़ते, हमारा काम आसानी से हो जाता, भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम होता बट लेकिन हो जाता यार। ये सही था, नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का ऐसे ही करने वाला हूँ। 2% और बाकी है और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रह रहा है, एक बार ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो 99% हो चुका है। अब यहाँ पर ना एक पैच सा दिख रहा है, लंबा सा थोड़ा, उसको कवर करेंगे तो ऑलराइट कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है हमारा। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं, इसमें चलते हैं, स्पेस कर लेते हैं और ये हो चुका है कलेक्ट। मेरे को डिटैच करना पड़ेगा क्या ये, क्योंकि मेरा नहीं है। एक सेकेंड, ओह ये मेरे को मार्केट में वापस करना पड़ेगा। चलो अभी हम लोग मार्केट पहुंचते हैं, इसको रिटर्न करके आते हैं और उसके बाद एक बार मेरे को चेक करना है कि क्या हम लोग सो पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग सो पा रहे हैं तो। क्योंकि लास्ट वाले जब मैं 22 खेल रहा था उसमें सोने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट यहाँ पर आना चाहिए। और हम लोगों ने 1,14,000 यूरो से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास 1,04,000, ऑलमोस्ट 1,05,000 यूरो रह गए, जबकि हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया, एआई को हायर किया और हम लोगों ने अपना टैंक बिल्ड किया वहाँ पे, उनके लिए हम लोग चारा लेके आए, तो बहुत कुछ काम करा, लेकिन तब भी हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जितना प्रॉफिट कर रहे हैं सिर्फ बचे, क्योंकि हम लोग अभी एआई वर्कर हायर कर रहे हैं और इन चीज़ों में थोड़ा बहुत कट जाता है। हमारे पास मशीन खुद की नहीं है, तो जब हमारे पास खुद की मशीन आ जाएंगी तो तब हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग उनकी ही चीज़ें ले रहे हैं। जैसे अभी भी मैंने लीज पर लिया हुआ है ये, और उससे पहले जब मैंने वुड वाला काम किया था उसके लिए मैंने ट्रक वगैरह वो सब किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले शायद मेरे को ट्रक पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो अगर हम लोग एक ट्रक और एक बड़ा ट्रेलर ले लें जिसमें हम लोग वुड वगैरह लॉग वगैरह लेके आ सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए काम, हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, तो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। बाकी अपने खेतों का तो ध्यान रखना है, अभी एक बार अपनी फसल बोलूँगा ना तो वापस से फिर मैं इन काम पर, एक जो शॉर्टकट रास्ता है ना गाइस अपने फार्म में जाने का, वो ये है कि ब्रिज के बाद जो फर्स्ट वाला टर्न आएगा उसमें मेरे को टर्न करना है, यानी कि ये वाला, तो है तो नहीं पीछे ये वाला, ये जो टर्न है ये खेत हमारा तो नहीं है, बट ट्रेन आ रही थी वहाँ से, ये जो टर्न है हमको अपने फार्म पर ही लेके जाएगा। आगे से एक ट्रक आ रहा है, ये लाइट हेडलाइट नहीं जली है इन लोगों की, जली तो है शायद, ओके जली है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर चलते हैं और हम लोग चलते हैं व्हीकल्स में और उसके बाद मुझे रिटर्न करना है, आई थिंक ये रिटर्न करना है ना मुझे। चलो अभी हमारे पास है 1,04,982 यूरोस और अब मुझे सोने का ट्राई करना है और ये भी देखना है कि क्या अपने ग्रैंडपा सो गए या फिर बाहर ही खड़े हुए, मुझे लग रहा है कि सो गए, तो हम भी सो जाते हैं। ठीक है यहाँ पर चलते हैं और पहला दिन हमारा हो चुका है खत्म, तो सुबह 8 बजे हम लोग उठ जाते हैं, सो जाते हैं। अभी फिलहाल आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।